हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप विंडोज 11 की ऑफिशियल विंडोज इंसाइडर की ISO इमेज को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सिंपली आपको अपने वेब ब्राउजर को ओपन करना है, गूगल में आपको सर्च करना है insider.windows.com, इसको जो है आपको गूगल में सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने सर्चेस आ जाएंगी। आपको यहाँ पे विंडोज़ इंसाइडर पे जो है फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है और आप जो है यहाँ पे विंडोज़ इंसाइडर की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए विंडोज़ 11 के बारे में बता रखा है, ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है विंडोज़ इंसाइडर प्रोग्राम की। तो यहाँ पे आपको कोई भी ISO डाउनलोड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे लॉगिन ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, डाउनलोड करने से पहले हम तीन चीज़ों को जान लेते हैं कि विंडोज़ डेव चैनल में क्या होता है, बीटा चैनल में क्या होता है और विंडोज़ रिलीज प्रीव्यू चैनल में क्या होता है। मैं आपको जो है शॉर्ट में बता देता हूँ। जो डेव चैनल है ये डेवलपर्स के लिए है। माइक्रोसॉफ्ट कोई भी अपडेट पुश करता है तो सबसे पहले डेव चैनल में देखने को मिलते हैं जो भी फीचर्स होते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे हमें बग्स भी जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी स्टेबल नहीं होता। विंडोज़ बीटा चैनल में उन अपडेट्स को यहाँ पर पुश किया जाता है जो डेव चैनल में फिक्स किए जाते हैं, जो बग्स ठीक है उसको जो है यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाता है विंडोज़ बीटा चैनल के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे भी बहुत सारे कुछ ऐसे बग्स हो जाते हैं, थोड़ी बहुत कमियाँ रहती है, उसको जो है विंडोज़ रिलीज़ प्रीव्यू चैनल में फ़िक्स करके यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाता है, ताकि लोग जो है इसको एक बार प्रीव्यू में यूज़ करके देखें कैसी है, और उसके बाद ही ऑफिशियल जो है बिल्ड लॉन्च किया जाता है। तो अब आई थिंक समझ गए होंगे कि विंडोज़ जो है इन तीन फेज़ों में आने के बाद ही ऑफिशियल बिल्ड आता है। तो क्विक कनेक्ट में आपको जाना है और ISO पे आपको क्लिक कर देना है। अब हम जो है इसकी ISO इमेज को जो है डाउनलोड करेंगे। तो देखिए हम जो है इस पेज पे स्विच हो गए हैं, विंडोज़ इनसाइडर प्रीव्यू डाउनलोड। कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे बता रखे हैं, इनको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और चलिए देखते हैं कि इसमें से कैसे आपको डाउनलोड करना है। सिलेक्ट एडिशन आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे आपको विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 के जो है बिल्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप टेकी बंदे हैं, गीकी बंदे हैं, तब तो मैं आपको फ्रेंड्स ये सजेशन दूंगा, तब आप देव चैनल को यूज़ कीजिए। अगर आप जो है चाहते हैं कि थोड़ा स्टेबल वर्जन रहे आपका कंप्यूटर या आपकी लैपटॉप की मशीन जो है थोड़ा स्टेबल रहे, तब मैं बोलूँगा आप बीटा वर्जन जो है डाउनलोड कर लीजिए। बीटा वर्जन थोड़ा स्टेबल होता है डेवलपर चैनल से। और यहाँ पर जो है आपको कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद जो है यहाँ पर प्रोडक्ट की लैंग्वेज पूछेगा कि आप जो ISO डाउनलोड करना चाहते हैं उसमें कौन सी लैंग्वेज आपको चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लैंग्वेज जो है सिलेक्ट कर लीजिए। मैं अपने केस में यहाँ पे इंग्लिश कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो है लोग इंग्लिश में ही डाउनलोड करते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं कंफर्म कर देता हूँ और इंग्लिश जो है ईजी टू अंडरस्टैंड भी है। और यहाँ पर देखिए हमारे सामने विंडोज़ 11 क्लाइंट इनसाइडर प्रीव्यू बिल्ड नंबर जो है आपको दिख गया इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये सिर्फ 64 बिट में ही आपको देखने को मिलेगा। 32 बिट में विंडोज़ 11 जो है अभी तक नहीं आई है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने भी कंफर्म कर दिया है कि ये सिर्फ 64 बिट में ही आएगी। तो इसको जो है आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। लगभग ये 5 GB की फाइल है ISO इमेज, इसको आपको डाउनलोड करके अपने सिस्टम में जो है इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जान गए होंगे कि कैसे आप विंडोज़ 11 की ISO इमेज को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं विंडोज़ इनसाइडर की। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मैं मिलता हूँ फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।